हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ और नंबर सिस्टम के ऑल टीसीएस क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। ये कौन सा वाला क्लास है? ये क्लास नंबर 4 है। ठीक है, ये क्लास 4 है। इसके पहले 3 क्लासेस हो चुका है। हम टोटल नंबर सिस्टम में पूछे गए टीसीएस के द्वारा जितना सारा क्वेश्चन है, चाहे वो रिपीट हो या रिपीट ना हो, सभी क्वेश्चनों को कर रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, साथ ही साथ आप प्रैक्टिस भी कर पाए। ठीक है, आपको कहीं और क्वेश्चन ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर लिया करो और प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। ये तो आपको पता ही है क्यों करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो एक चीज़, इस क्वेश्चन में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन में कि ये जो स्टार वाला जो नंबर दिया हुआ है, ये इंटीजर दिया हुआ है या फिर डिजिट दिया हुआ है, ये स्टार के जगह पे क्या बिठा है जबकि ये 11 से डिविजिबल है। ध्यान से सुनना, क्या ये स्टार डिजिट है? हाँ सर, स्टार डिजिट है। डिजिट का वैल्यू क्या होता है सर? 0 से लेकर 9 तक आप बिठा सकते हो, 10 नहीं बिठा सकते। क्यों? क्योंकि डिजिट में 10 बिठाओगे तो एक आपके पहले डिजिट के साथ जुड़ जाएगा, तो उसमें क्या बिठ रहा है? तो 0 से लेकर 9 तक ही बिठ रहा है। अब देखो 11 से डिविजिबिलिटी क्या कहते हैं सर? 11 से डिविजिबिलिटी कहते हैं कि ऑल्टरनेट नंबर का साम और दूसरे सीरीज का ऑल्टरनेट नंबर का साम का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0 और मल्टीपल ऑफ 11। अब देखो 4, 2, 6, 5, 11 आता है ये, और ये क्या आ रहा है सर? 9 प्लस स्टार मतलब 9 प्लस स्टार प्लस इधर हो रहा 3 प्लस 7, 7, 3, 10, 9, 19 तो 19 प्लस स्टार मतलब इसको स्टार ही लिख लो, -11 शुड बी 0 और मल्टीपल ऑफ 11। देखो सर 0 तो नहीं होगा, तो एक्स प्लस या फिर बोल सकते हो स्टार प्लस क्या हो रहा है, ये 11 से 8 हट जा रहा है तो बराबर 11 होगा। ठीक है, तो स्टार के वैल्यू क्या होना चाहिए? 8, 3, 11, 3 होना चाहिए। क्या सर आप 22 क्यों नहीं कर रहे हो? ध्यान से सुनना, अगर 22 कर दिए तो ये क्या हो जाएगा? डिजिट का सम 8 से 22 से 8 हटाओगे तो क्या हो जाएगा सर? 22 - 8 क्या हो जाएगा? 8 चौके 12, 14 आता है। तो एक डिजिट का वैल्यू मैंने आपको अभी क्या सिखाया कि 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टार वाला प्लेस पे क्या रखोगे? ऑप्शन नंबर ए बराबर 3 रखोगे। अब ध्यान से सुनना, ये कब आया था? एसएससी सीजीएल 3 मार्च 2020 इवनिंग शिफ्ट में आया था। तो क्या है सर क्वेश्चन? ये हाल ही में पूछे गए क्वेश्चनों में से एक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। थोड़ा सा एनर्जी लेके आते हैं और आगे चलते हैं, थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे क्योंकि हमारे पास 90-95 के आसपास क्वेश्चन हो चुका है। 150 के आसपास हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ये सीरीज हम लोग कोशिश करेंगे कि सीजीएल Tier 1 से पहले हम लोगों का 15 के आसपास चैप्टर खत्म हो जाए। उसके बाद बाकी जितना सारा चैप्टर रहेगा 15 से 20 चैप्टर खत्म हो जाए। उसके बाद जितना सारा चैप्टर रहेगा हम लोग क्या करेंगे? Tier 1 के बाद थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करके खत्म कर देंगे Tier 2 से पहले। तो टोटल ये आपका सिलेबस खत्म होना चाहिए या फिर प्रैक्टिस खत्म होना चाहिए। अगर ये स्पीड अच्छा लगा या फिर शेयर आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के ज्वाइन कर रहे हो इसमें, तो हम लोग कोशिश करेंगे और थोड़ा सा बूस्टअप करने के लिए, क्योंकि ऑफलाइन भी बहुत सारा कुछ काम होता है, बैच होता है, फिर PDF जनरेट करना पड़ता है, बहुत सारा शेड्यूल होता है। 2 वीडियो आ रहा है, एक आ रहा है अभी 8 बजे के आसपास आपका ये ऑल टीसीएस क्वेश्चन सीरीज, और 9:30 बजे आता है आपका RRB ग्रुप D का प्रीवियस ईयर बेस्ड टेस्ट पेपर। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करते रहो, आपका बहुत अच्छा होगा और इसमें आपको नुकसान तो नहीं, फायदा बहुत ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये पिछला दिन भी एक क्वेश्चन था, ठीक इसी तरीके से, उसमें अगर कोई डाउट रह गया तो इसमें क्लियर कर लो। व्हेन 732 इज डिवाइडेड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर x, द रिमाइंडर इज 12। ठीक है, 732 को अगर किसी x से डिवाइड करते हो तो क्या आता है? रिमाइंडर 12 आ जाता है। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x देयर आर, x का कितना वैल्यू हो सकता है? ध्यान से सुनना, 12 से इसको क्या करेंगे? 720 कर लेते हैं, 12 से माइनस कर देते तो 720। तो 720 के जितना सारा फैक्टर्स है ग्रेटर देन 12, क्यों बोल रहा हूँ समझ में आएगा अभी। देखो जितना सारा फैक्टर्स है ग्रेटर देन 12, वो क्या हो जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो सर 720 का ग्रेटर देन 12 क्यों कर रहा है सर? 12 से छोटा अगर 8 हुआ तो 12 के बाद जो रिमाइंडर 12 आ रहा है उसको डिवाइड हो जाएगा ना 8 से। हाँ सर, उसके बाद 4 आ जाएगा। हाँ अच्छा ठीक है, तो 720 का नंबर ऑफ फैक्टर्स समझते हैं सर। क्या हो जाएगा सर? 2 से 2 36 72 तो 0, 2 18 36 हो गया, 2 9 18 हो गया, 2 45 90 हो गया सर। देखो 5 9 45 होता है, 3 3 9 होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आता है? 2 to the power 4 इंटू 5 to the power 1 इंटू 3 to the power 2। तो फैक्टर नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 720 कितना आ जा रहा है? 4 प्लस 1 5 इंटू 5 प्लस 1 2 इंटू दो प्लस एक तीन, मतलब 5 दूना 10 3 30, नंबर ऑफ फैक्टर्स टोटल 30 आ रहा है। लेकिन 1 से लेकर 12 तक हम लोग सोचेंगे पहले कौन कौन सा फैक्टर हो सकता है। अब हम लोग इसको करने का तरीका क्या है सर, पहले 1 को देख लेते हैं। क्या ये 1 फैक्टर है? हाँ सर 1 फैक्टर है। क्या 2 फैक्टर है? हाँ सर 2 फैक्टर है। क्या 3 फैक्टर है? हाँ सर। क्या 4 फैक्टर है? हाँ इसका फैक्टर है 4। क्या 5 फैक्टर है? हाँ सर 5 फैक्टर है। क्या 6 फैक्टर है? हाँ सर 6 फैक्टर। क्या 7 फैक्टर है? नहीं सर 7 नहीं है तो 7 को छोड़ देता। क्या 8 फैक्टर है? हाँ सर 8 फैक्टर है। क्या 9 फैक्टर है इसका? हाँ सर 9 फैक्टर है। क्या 10 होगा? हाँ सर 10 होगा। क्या 11 होगा? नहीं सर। क्या 12 होगा? हाँ सर। तो इतना सारा नंबर मतलब यहाँ से निकल जाएगा। तो क्या आ जाएगा सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 निकल जाएगा। तो 30 में से अगर 10 निकाल दो तो कितना आता है आंसर आपका 20 हो जाएगा। तो एक नंबर कितना नंबर हो सकता है? एक सर 20 टाइप का नंबर हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If the 6-digit numbers x 3 5 6 2 4 and 1 2 5 7 y 4 are divisible by 11 and 72 respectively, then what is the value of 5x minus 2y? अब देखो सर 6 डिजिट नंबर्स दिया हुआ है, 11 से डिविजिबल है कौन सा वाला नंबर, ये नंबर, और 72 से ये नंबर। ठीक है, ध्यान से समझना सर, ये 11 से डिविजिबल कर लेता है तो क्या आता है सर x 3 y 3। अच्छा यहाँ से देखो 11 से डिविजिबिलिटी क्या होगा सर, अल्टरनेट नंबर का साम निकाल लेते हैं सर। अल्टरनेट मतलब x + 5 + 2 मतलब x + 7 माइनस इधर होता है 6 4 10 3 13 तो 13 ये होना चाहिए 0 और मल्टीपल ऑफ 11 सर। x = क्या होगा सर, इधर 13 लेते हैं 7 6 13 7 6 12 7 से 14। ठीक है 7 6 6 12 7 6 13 तो 6 आता है और एक आता है 17 जो कि पॉसिबल नहीं है। अब देखो x का वैल्यू 6 आ गया, ये तो खत्म हो गया एक कहानी। अब दूसरे कहानी समझते हैं 1 2 5 7 y 4 इसको सर 72 से डिविजिबिलिटी बोल सकते हो, मतलब सर 9 × 8 से और 9 से डिविजिबल है। हाँ सर 9 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेता है, क्या होता है सर 2 एकम 3 5 कितना होता है 8 होता है, 8 7 15 होता है, 15 और 4 कितना होता है 19 होता है। तो 19 + y मस्ट भी क्या होना चाहिए 18 और 27। देखो सर y = कितना होता है सर 19 + y 18 तो नहीं होगा तो 27 होता है। तो 19 से 27 तक कितना जाएंगे सर 8 जाएंगे, इससे छोटा होगा नहीं सर छोटा नहीं होगा। तो एक चीज़ देखो x का वैल्यू आ गया 6 और y के वैल्यू आ गई 8। अब देखो सर 5x - 2y क्या हो जाएगा सर 5 × 6 = 30 - 8 × 2 = 16 दैट इज इक्वल्स टू 14 आता है आंसर आपके लिए। कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 पे खड़ा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 200 to 800 विच आर नीदर डिविजिबल बाई 5 नॉर बाई 7। अब ध्यान से सुनना, नीदर डिविजिबल बाई 5 और नॉट डिविजिबल बाई 7, तो इसको कैसे निकालते हैं सर। एक चीज़ देखो, किसी भी नंबर का 7 से डिविजिबिलिटी और 5 से डिविजिबिलिटी हम लोग समझते हैं। तो अगर 7 से डिविजिबल नहीं है और 5 से डिविजिबल नहीं है तो क्या 35 से भी डिविजिबल होगा? हाँ सर 35 से भी डिविजिबल नहीं है। तो ध्यान से सुनना, पहले 5 से डिविजिबिलिटी निकालते हैं। तो 200 से 5 करते हैं, 5 × 20 तो 40 आता है, माइनस 200 से 800 से, अच्छा इससे नहीं, 800 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 एकम 5 6 7 8 5 6 30 160। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया सर, इन दोनों का डिफरेंस आया 120, लेकिन इसके साथ 1 जोड़ना पड़ेगा। नंबर को कौन सा 121 होता है, ठीक है 121 होता है। हमेशा इन दोनों का माइनस करेंगे, साथ में 1 जोड़ेंगे, जो वाला नंबर है उसको काउंट करना पड़ता है, मतलब 40 वाला जो नंबर है उसको करना पड़ता है। फिर उसी तरीके से 7 के लिए क्या निकाले सर, 800 को 7 से निपटा देते हैं तो 7 से करते हैं 7 एकम 7 8 9 10 7 × 28 तो 114वां नंबर। अच्छा 800 को फिर से, अच्छा 200 को फिर से 7 से निपटा देते तो कितना होता है 7 दूना 14 और 6 7 8 56 तो 28 होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है सर, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 8 × 14 2 एकम 3 आता है, 2 एकम 3 3 से कितना होता है सर 7 3 10 अच्छा 8 3 11 सर 86। अब सर ये वाला क्यों आपने नहीं ले रहे हो 28वां टर्म। अब ध्यान से सुनना, 28 से लेके 114 तक कितना होता है सर, 28 से लेके 114 तक अगर आप काउंट करने जाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 28 वाले भी टर्म हमने काउंट किया और 114 वाले भी टर्म हमने काउंट किया, तो इसीलिए वो 86 आता है। अब एक चीज़ देखो, अगर आपने 200 और 800 को आपने डिवाइड किया तो सर क्या आता है सर, 200 वाला तो 40वें टर्म होता है और 800 वाला सर 160वें टर्म होता है, इसीलिए इन दोनों का डिफरेंस के साथ 1 जोड़ना अनिवार्य था। अब क्या इसमें 1 नहीं जोड़ेंगे? अब सर देखो सर, तीसरे टर्म थर्ड डिवीजन ऑफ थर्ड टर्म मिल रहा है ये, अच्छा और 5th टर्म मिल रही है, तो 3 से 5 तक का डिफरेंस कितना है सर 2 आ गया ना। अब जब भी कोई अगर जीरो से लेके 5 तक आप निकालना है तो 5 और जीरो का डिफरेंस निकालो। अच्छा फर्स्ट टर्म और फिफ्थ टर्म अगर निकाला जाए तो इन दोनों का डिफरेंस आता है 4 आता है, लेकिन हमें 1 को भी जोड़ना है तो 5 आ जाएगा। तो इसमें भी क्या है 1 जोड़ेंगे। अच्छा देखते सर 87 होता है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा समझते हैं, 87 टर्म आ गया। अब देखो सर 800 को अगर 35 से डिवाइड किया जाए तो कितना आता है। सर 800 को अगर 35 से डिवाइड किया जाता है तो क्या आ जाएगा। सर 35 से डिवाइड करेंगे तो 35 दुना 70 होता है, तो 70 आ गया। और कितना आता है 10 आता है, ठीक है। 35 दुना 70 10 80, 35 दुना 70 तो 22वें टर्म आता है। अब देखो सर इसका 200 को 35 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। सर 35 5 3 15 5 5 25, ठीक है। तो ये 5वें टर्म आता है। तो 22 5 कितना होता है सर 17 होता है, ठीक है। आप ध्यान से सुनना क्यों हमने ऐसा किया और क्या हमें मजबूरी डाल रहा था इसमें। तो 17वें टर्म के साथ हमें एक भी जोड़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमने फिफ्थ वाले टर्म को भी लेना है। देखो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। अब देखो सर 5वें टर्म को भी लिया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो हमारा कितना हो गया 16 17 18 आता है। तो इसीलिए हमने +1 किए, 5वें टर्म को भी काउंट कर रहे हैं। अब देखो सर ये जो आपने निकाला कि 5 से डिविजिबल है 121वें टर्म और 7 से डिविजिबल है 87वें टर्म, ठीक है। इन दोनों में से अगर हमने 35 वाले को नहीं निकाले तो क्या हो जाएगा सर, दो बार काउंट हो जा रहा है ना। 5 वाले में भी तो 35 आ जा रहा है। हाँ सर 35 दो बार काउंट हो गया। तो 8 9 17 1 आ गया, 2 आ गया, 69। तो 121 के साथ 69 जोड़ेंगे तो 0 6 2 8 1 9 तो 190 आता है। तो 190 टर्म आपका मिल रहा है। अब देखो ध्यान से 800 से लेके 200 तक कितना टर्म है, 800 से लेके 200 तक। सर 200 600 होगा, लेकिन नहीं 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 ध्यान से सुनना, 200 वाले भी टर्म को लेना है तो 601 होगा। हाँ सर तो 601 आएगा। तो 601 से 199 निकालो तो क्या आता है सर 1 आता है, ये 1 आता 9 2 11 2 आता है ये, और कितना होता है सर। अच्छा 1 आ गया यहाँ पे। अच्छा और क्या आएगा सर 190 निकाले तो सर 1 आ गया आपका 9 1 10 आता है। अच्छा ठीक है, और 1 आ गया 2 तो 4 आता है। तो 4 11 आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंदी लग रहा है। देखो एक चीज़ 35 से किसी भी नंबर का 5 से डिविजिबिलिटी और 7 से डिविजिबिलिटी निकालो तो क्या ये 35 से भी डिविजिबल को काउंट कर रहा है दो बार। हाँ सर 5 के कारण भी काउंट हो रहा है, 7 के कारण। इसीलिए 35 से डिविजिबल को निकाले, पहले निकालने के बाद हमें 190 मिल गया जो कि डिविजिबल है। हमें क्या माना था कि 9 और 5 से और 7 से डिविजिबल है, मतलब सर नहीं है, ठीक है। 5 से विभाज्य और ना कि 7 से विभाज्य, ठीक है, ना ही 7 से है। तो सर हमने क्या किया, उसको हटा दिया नंबर से। अब जब काउंट ये समझते हैं कि आप अगर 1 से लेके 5 तक कितना डिजिट है काउंट करना सीख जाओ तब जाके आपको दिक्कत नहीं आएगा। देखो ये होता है आपका 5 ही टर्म, ठीक है। क्यों, 4 माइनस करेंगे, 5 माइनस 1 4 करेंगे, उसके साथ 1 जोड़ देंगे, इसीलिए ये काउंट होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If a 9-digit number 708x6y8z9 is divisible by 99, then what is the value of x + y + z? अब ध्यान से सुनना, देखो एक छोड़ के एक नंबर पे दिख रहा है एक्स वाई जेड, ठीक है। तो 99 को क्या बोल सकते हैं सर, 11 और 9 से फैक्टराइज कर सकते हैं। हाँ सर 11 और 9 से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो 11 से डिविजिबिलिटी चेक करो तो 7 + 8 + 6 + 8 + 9 और इधर आ जाता है आपका x + y + z -+0। तो ये माइनस कर लेते हैं तो कितना आता है 8 8 16 8 3 24 24 और 5 कितना होता है सर 24 और 5 29 29 और 9 कितना होता है सर 38 38। तो x + y + z इसका वैल्यू कितना आया सर, ध्यान से सुनना कितना आता है सर। देखो 7 + 8 + 6 + 8 + 9, ठीक है। तो कितना आ रहा है सर, सर इसको जोड़ लो ना, खत्म कहानी करो। हाँ सर ठीक है जोड़ लेते हैं। तो x + y + z -38 बराबर आपका आ जा रहा है क्या, बराबर आपका आ जाना चाहिए 0 और मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है। इसमें इस केस में अगर हम लोग 9 से डिविजिबल करते हैं, अगर हम लोग इसको 9 से डिविजिबल, 11 से तो डिविजिबिलिटी तब होगा जबकि ये 38 होना चाहिए और 0 होना चाहिए, ठीक है। 38 होना चाहिए और 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं, अगर हम लोग जोड़ते हैं, माइनस नहीं करते हैं, अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 9 से अगर डिविजिबिलिटी निकालना है तो सर 9 से इसको डिवाइड करते हैं क्या होता है सर 9 × 36 +2 आना चाहिए। हाँ सर +2 आ जा रहा है। तो इसको अगर 9 से डिविजिबल करना है तो क्या होना चाहिए सर, 7 होना चाहिए, 16 होना चाहिए और क्या होना चाहिए सर 25 होना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, अगर 7 होता है तो 38 और 7 का सम क्या होना चाहिए सर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, 38 और 7 क्या होना चाहिए 11 का मल्टीपल होना चाहिए। कब? जब इस दोनों का डिफरेंस इधर ऐसा आता है, या फिर बोल सकते हो माइनस करते हैं तब जाके क्या 11 वाला चेक कर रहे हैं, और प्लस टोटल किए तो 9 का चेक किए, ये कंडीशन आया। अब 7 बिठाओ तो 7 बिठाएंगे तो क्या आ जाएगा सर, क्या पता, नहीं पता है। अच्छा सर 38 को 16 से माइनस करते हैं तो कितना आता है सर 6 दो 8 और 2 8। ठीक है, ये इक्वल्स टू क्या हो रहा है सर देखो -22 आ रहा है जो कि 11 का मल्टीपल। तो हम लोग कौन सा कंडीशन लेंगे 16 वाला कंडीशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। हमने क्या किया, हमने पहले 11 का मल्टीपल चेक किए। सर 11 का मल्टीपल रूल क्या कहता है कि आप एक छोड़ के एक मतलब अल्टरनेट नंबर का साम करके डिफरेंस निकालो। इन दोनों का साम करके हमने डिफरेंस निकाला तो 38 आ गया, लेकिन जैसे ही 38 आया कुछ नहीं सूझा, हमने थोड़ा सा गलत कर दिया ऐसा सोच रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया 9 से टेस्टिंग कर लिया। 9 से टेस्टिंग क्या होता है, साम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9। तो इसको अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, तो 38 आ रहा था। तो 38 के 9 से डिवाइड किया तो 9 × 36 प्लस 2 रिमाइंडर आ रहा था। अगर 2 रिमाइंडर आता है तो इसके साथ हम लोग 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7 + 2 9 जो कि डिविजिबल बाई 9 है। इसके साथ 16 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 16 + 2 जो 18 है जो कि डिवाइडेड बाई 9 है। इसके साथ 25 जोड़ेंगे तो 25 + 2 27 है जो कि डिविजिबल बाई 9 है। अगर हम लोग 7 बिठाते हैं तो 38 से 7 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा सर 31 आ जाएगा जो कि 11 से डिविजिबल नहीं है। अगर हम लोग 16 बिठाते हैं तो 16 - 38 हो जाएंगे तो -22 जो कि डिविजिबल बाई 11 है। तो सर आ गया आपका आंसर x + y + z का वैल्यू 16 होना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। When a positive integer is divided by d, the remainder is 15. When 10 times of the same number is divided by d, then the remainder is 6. The least possible value of d is. अब ध्यान से सुनना क्या बोला गया है सर, बोला गया एक पॉजिटिव इंटीजर, हम लोग अगर कुछ इसको पकड़ ले तो क्या दिक्कत आ जाएगा, कुछ नहीं दिक्कत आएगा। सर एक काम करते हैं k पकड़ लेते हैं। ठीक है, जब k को d के द्वारा डिवाइड किया जाता है देन द रिमाइंडर इज 15। ठीक है, तो k को अगर d से डिवाइड किया जा रहा है तो नंबर क्या है, या फिर बोल सकते हो k को अगर डिवाइड कर रहे हो d से तो अगर क्वेश्चन q आ जाता है तो रिमाइंडर कितना आता है 15 आता है। तो हम लोग लिख सकते हैं k = (dq + 15)। हाँ सर हो सकता है, ये तो हो गया आपका नंबर पहले वाला। अब दूसरे केस में क्या दिया हुआ है, व्हेन द सेम नंबर का 10 टाइम्स हमने डिवाइड कर रहे हो तो सेम नंबर का 10 टाइम्स मतलब 10 × dq। हाँ सर 10 × dq सेम नंबर का ही ना डिवाइड करो। हाँ प्लस उसके साथ क्या होगा सर, उसके साथ क्या रिमाइंडर कितना आता है सर 6 आता है। ध्यान से सुनना, उसके साथ रिमाइंडर क्या आता है, इसका 10 गुना अगर हम लोग रिमाइंडर मतलब 15, इसका अगर 10 गुना होता तो क्या होना चाहिए था प्लस 150 होना चाहिए था ना। हाँ सर 150 होना चाहिए था, लेकिन रिमाइंडर कितना आ जा रहा है 6 आ जा रहा है। ध्यान से सुनना, तो 144 + 6 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। तो जिससे आप डिवाइड कर रहे थे तो क्या ये 144 का मल्टीपल होना चाहिए। हाँ सर मल्टीपल होना चाहिए। अब समझो कि इसका डी का लीस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है सर, क्या ये 6 से बड़ा होना चाहिए। हाँ सर 6 से बड़ा होना चाहिए। तो 6 से बड़ा 144 का फैक्टर क्या हो जाएगा सर, 6 से बड़ा 144 का फैक्टर हो सकता है 8 हो सकता है। हाँ सर 8 हो सकता है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, या फिर बोल सकते हो 6 से बड़ा होगा और 15 से बड़ा होगा। कौन सा होगा सर 15 से भी बड़ा होगा। तो 15 से बड़ा क्या होना चाहिए सर 16 हो जाएगा। हाँ सर 16 हो जाएगा फैक्टर। तो देखो यहाँ से काटना स्टार्ट करो, ये दोनों कट गया। 16 और 18 में चेक करना है, 16 होगा इसका फैक्टर। हाँ सर 16 हो सकता है। 8 × 2 = 16, 8 × 8 से 8 × 14 8×8 = 64 आता है। खत्म कहानी। तो ये होगा 16 और 18 हो सकता है। यहाँ पे बोला था लीस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालना मतलब छोटा वाला वैल्यू। तो छोटा वाला वैल्यू कौन सा हो जाएगा सर 18 से छोटा है 16। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हमने क्या किया, हमने चेक करने की कोशिश की कि नंबर को पहले पकड़ लिए थे dq + 15। ठीक है, एक बार ध्यान से सुन लो। इसके बाद क्या क्या 10 गुना कर लिए, तो 10 गुना किए तो क्या हो जाएगा सर 10 × dq आ जाएगा और इसका 150 आ जाएगा, लेकिन रिमाइंडर 6 आ जा रहा है। मतलब 6 + ये 10 × dq तो डिविजिबल है ही है इससे, लेकिन 6 + करेंगे तो ये 144 होना चाहिए। तो क्या नंबर 144 का मल्टीपल है। हाँ सर डी 144 का मल्टीपल है, लेकिन सर एक रिमाइंडर आ रहा है 15 और एक 6। मैंने 6 देख के पहले बोल रहा था कि 6 होगा, 6 के बड़ा होगा, लेकिन 15 देखो सर रिमाइंडर पहली केस में थे तो 15 से बड़ा होना चाहिए था नंबर। तो पहले ही 9 और 12 कट गया। 9 और 12 कट गया तो बचा हुआ कितना है सर 16 और 18 बचा हुआ है। हाँ सर, अब 16 और 18 में फंडा क्या समझते हैं सर 16 क्यों होगा, क्योंकि लीस्ट पॉसिबल वैल्यू मांगा था, 16 से डिविजिबल होता है तो हो गया खत्म कहानी। ये एसएससी सीजीएल मार्च 2020 में पूछे गए थे आफ्टरनून शिफ्ट में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The greatest number which should be replaced star in the number of 146 star 48 to make it divisible by 8। तो 8 से divisibility चेक करने के लिए लास्ट वाला नंबर क्या होना चाहिए सर स्टार 48। देखो सर द ग्रेटेस्ट नंबर सबसे बड़ा वाला नंबर होना चाहिए, ठीक है। देखो 8 से क्या यह divisibility हो जाता है, हाँ सर 848 हो जाता है। तो ध्यान से सुनना, इसको अगर हम लोग 8 कर ले तो क्या आ जाएगा सर 8 से डिवाइड होगा, हाँ 848 चेक करता है, ग्रेटेस्ट बोला था ना, 8 एकम 8, 848, ठीक है आ गया 0, 848। अब देखो सर 9 कर सकते हैं, देखते हैं चेक करके सर 9 से होगा तो क्या 8 एकम 8 तो 1 आ गया 14, 8 एकम 8 तो 6 आता है। तो 8 से कुछ किसी भी तरीके से 68 को डिविजिबल नहीं हो सकता, 8 और 64 होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 8। ये फंडा थोड़ा सा देख के आप कैलकुलेट कर सकते थे, मैक्सिमम बोला गया था, हम लोग थोड़ा सा मैक्सिमम को देख के ही चलेंगे और कुछ देखेंगे नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If the number 687x29 is divisible by 9, then what is the value of 2x? ध्यान से सुनना, 9 से divisibility चेक करना है तो इसका क्या करना है सर इसका दुगना करना है। दुगना करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, दुगना नहीं जोड़ना है डिजिट्स को, तो 6 + 8 + 7 + x + 2 + 9 ये क्या हो जाएगा सर 9 दो 11, 11 और 7 कितना होता है सर 11 और 7 18, 18 और 6 कितना होता है सर 8 × 14 24, 24 और 8 कितना होता है सर 8 × 32, ठीक है। तो 32 + x आ रहा है तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए सर x का वैल्यू होना चाहिए, ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए तो 36 ले लेते हैं, हाँ सर तो x इक्वल्स टू 4, एक आता है और दूसरा होना चाहिए क्या 36 के बाद वाला 45 तो x इक्वल्स टू इस केस में क्या हो जाएगा सर 13 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक डिजिट के वैल्यू ज़्यादा 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से x के वैल्यू 4 आ जा रहा है, तो x का वैल्यू 4 आ रहा है तो 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर 8। क्या होता क्या है एग्जाम टाइम में आप लोगों का प्रेशर के कारण आप लोग क्या करते हो 2x नहीं देखते हो, x का वैल्यू 4 आया फटाफट मारो 4 में डी में, देखो है ऐसा मत किया करो, थोड़ा सा ध्यान लगाओ और आंसर सही से मार्क किया करो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये एसएससी सीजीएल मार्च 6 मार्च 2020 में पूछे गए थे। द लार्जेस्ट नंबर विच कुड रिप्लेस स्टार 236 by 4 टू मेक द नंबर डिविजिबल बाई 4। 4 से अगर डिविजिबल होता है तो लास्ट वाला नंबर शुड भी क्या डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा सर लार्जेस्ट नंबर होना चाहिए था, ठीक है। तो इसको अगर 94 लेते हैं तो ध्यान से सुनना, इसको अगर 94 लेते हैं तो क्या डिवाइड होगा 4 से सर, 4 से देखते हैं 4 × 4 = 8 तो होगा 14 आता है लेकिन नहीं होगा, तो यहाँ से 8 लेंगे तो हो जाएगा। तो सबसे ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट नंबर लेना था तो हमने सर ऑप्शन से चेक किया 8 ले लिया, खत्म कहानी। 4 से डिविजिबिलिटी जो रूल होता है, 4 से डिविजिबिलिटी रूल हो जाता है कि आप एक बार चेक कर लेना लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए। 8 से क्या होता है लास्ट 3 डिजिट, 16 से क्या होता है लास्ट 4 डिजिट, ऐसा करके चलता रहता है इस फैक्टर का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If the given number 925x85 is divisible by 11, 11 से अगर विभाज्य है तो दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x, x का स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालना है। तो हम लोग थोड़ा सा इंटरचेंजेबल नंबर को पकड़ लेते हैं, तो क्या होता है सर इंटरचेंजेबल मतलब क्या बोल रहे हो सर, एक छोड़ के एक नंबर को अल्टरनेट नंबर के जगह पे हमने इंटरचेंजेबल नंबर बोल दिए थे, ठीक है। अल्टरनेट नंबर का जोड़ लेते हैं तो क्या होता है सर 9 × 5 = 14 और 8 कितना होता है 8 × 4 = 22, 22 -5 × 2 = 7 -x होगा। तो बराबर क्या होना चाहिए 0 और मल्टीपल ऑफ 11। ध्यान से सुनना, यहाँ से क्या आता है सर x का वैल्यू क्या आ जाता है सर 22 - 1, इधर से कितना आता है सर 22 - 1 होगा 22 - 7, 7 × 5 = 12, ठीक है 15 आता है। तो सर अगर हम लोग 7 + x को पहले रखेंगे फिर 15 रखेंगे तब भी जाके क्या होगा 0 और 11 लेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा सर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा एक हो जाएगा 15 और दूसरा कितना आ जाएगा सर दूसरा कुछ हो जाएगा। लेकिन सर हम लोग थोड़ा सा इसको लीस्ट वैल्यू के फंडे से निकालना है तो 15 - x = 0 और 11 होना चाहिए। तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए 15 - 0 = 15, जो कि पॉसिबल नहीं है। और 11 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा सर 15 - 11, 11 वाला लेंगे मतलब मल्टीपल ऑफ 11 लेंगे तो क्या हो जाएगा 11 × 4 = 15, तो 4 आता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्या इससे ज़्यादा हो सकता है, हाँ सर 22 से 15 को माइनस करते हैं तो 15 × 7 = 22, 7 होता, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है। हमें क्या निकालना है सर स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x, इसीलिए ये वाला 4 वाला फंडा हमने निकाल लिए। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। When 7 if 7 is divided a positive integer n, the remainder is 2, which of the following numbers given a remainder of 0 when divided by 7? नीचे वाले नंबर। अच्छा देखो एक चीज़ ध्यान से सुनना, अगर n को डिवाइड करते हो तो 2 रिमाइंडर देता है, तो n का वैल्यू क्या हम लोग 9 लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। तो n माइनस 5 मतलब सर 9 माइनस 5 तो क्या हो जाएगा सर 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो सर n प्लस 5 तो 9 5 14, 9 5 14 आता तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा सर 0 आ जाएगा। तो ये आ गया ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत? हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा फंडा समझते हैं और कुछ नहीं जाएंगे और कहीं पे नहीं चलेंगे, ठीक है। क्या किए हमने क्या किए नंबर को पकड़ लिए 9, फिर जाके यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी और 0 आना चाहिए रिमाइंडर, बस खत्म कहानी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड 5 to the power 70 प्लस 7 to the power 70 बाई 74। 74 से आप अगर डिवाइड कर रहे हो तो कितना आता है सर? ध्यान से सुनना, यहाँ से क्या आ जाएगा सर, यहाँ से आ जाता है 5 to the power 70 को स्क्वायर कर लेते हैं तो 5 to the power 35 प्लस 7 square 35, ठीक है। लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। तो ये होता है 25 to the power 35 प्लस 749 to the power 35। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है कोई फैक्टर में, ध्यान से देखना, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है तो क्या आता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। अगर इसके पावर पे a to the power 5 प्लस b to the power 5 होता तो क्या होता सर ए प्लस बी इंटू बीच में कुछ ना कुछ आएगा a to the power 4 देके कोई फैक्टर आएगा, ठीक है। तो ये जो फैक्टर a 5 के कारण a प्लस बी आता है, 3 के कारण a प्लस बी आता है, तो इसे क्या कहा जाता है सर? इसे कहा जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। मतलब अगर पावर ऑड रहता है तब जाके सामने क्या होगा सम ऑफ द नंबर्स आएगा। तो इसका सम ऑफ द नंबर्स ले लेता है 25 plus 49 इंटू कोई भी एक नंबर, सपोज पी पकड़ लेते हैं, अंदर होगा कोई भी एक सीरीज होगा, एफ एक्स पकड़ लेता है कोई भी एक्स का सीरीज होगा, या फिर एफ एन पकड़ लेता है कोई भी नंबर का सीरीज आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है सर 9 5 14, 4 2 6 2 7, 74 इंटू एफ एक्स आएगा, कोई भी एक फैक्टर होगा, सीरीज होगा ना, इसीलिए हमने ये पकड़ लिया था। तो देखो सर 74 से अगर डिवाइड करो इस नंबर को तो उसके पहले 74 तो मल्टीपल आ जा रहा है, अगर 74 मल्टीपल आ जा रहा है तो इसका क्या हो जाएगा सर, डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ 5 divided a integer n द रिमाइंडर इज 2, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 7n इज डिवाइडेड बाई 5। ध्यान से सुनना, हमने क्या किया सर 5 से किसी को डिवाइड कर रहे हो जिसके कारण से रिमाइंडर आता है 2, तो हम लोग नंबर को लिख सकते हैं 7, हाँ सर लिख सकते हैं। तो उसी n नंबर को n बराबर 7 अगर ले लिए तो n नंबर को 7 से गुना करो, 7 7 49, उसको भी 5 से डिवाइड करो तो कितना आता है सर 5 5 10 50 होता है, तो -1 रिमाइंडर मतलब 4 रिमाइंडर आता है। तो 4 रिमाइंडर कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या ये कोई दिक्कत वाला काम है? नहीं सर, इस तरीके का क्वेश्चन को इसी कॉन्सेप्ट में करना, यहाँ पे कोई वेरिएबल या फिर कोई दूसरा नंबर ऐसा, मतलब जैसे होता है क्या 5x plus 2 पकड़ना चाहिए, नंबर को पकड़ना है तो n equals 2, फिर इसको 7 से गुना करो, 7 7 49x प्लस 7 2 14, फिर यहाँ से क्या करोगे सर 49x को, तो ये तो निकल जाएगा, मतलब ये तो फैक्टराइज हो जाएगा, फिर इसको ऐसा करोगे वैसा करोगे, ऐसा मत करो, नॉर्मली समझो कि इसको ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप नंबर ही डायरेक्ट पकड़ सकते हो, इंटीजर ही डायरेक्ट पकड़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द ग्रेटेस्ट नंबर विच में रिप्लेस स्टार इन द नंबर ऑफ 1190*6 टू मेक ए नंबर डिविजिबल बाई 9। ध्यान से सुनना, इस स्टार को रिप्लेस करना है, कौन सा सर 1190*6 इस नंबर में जो से 9 से डिविजिबल है। तो देखो सर 9 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो 9 को काट देता है तो 6 7 1, ठीक है, 6 7 8 8 आता है, तो 8 के बाद 1 ही होगा तो 9 होगा, और कुछ होगा नहीं सर? और कुछ हो सकता है? हाँ सर हो सकता था, लेकिन वो 10 आ जाएगा, लेकिन 10 तो पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए क्या होना अनिवार्य है, ये 9 होना, ये 8 होना, 1 होना अनिवार्य है। 1 क्यों होगा? देखो जोड़ने की कोशिश करता है, ये नंबर 9 है, प्लस 1 1 2 और 6 8, तो 8 8 16 कम 17 आता है, तो 9 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, नंबर को 18 होना चाहिए, या फिर 9 18 9 3 27 27 होना चाहिए। तो ये स्टार वाला मार्क्स क्या हो जाएगा, अगर ये 18 होता है तो 17 17 इससे निकालो, मतलब माइनस करो, तो स्टार के वैल्यू कितना आता है 1 आता है, और इस केस में 27 से इसको निकालो तो मतलब सब्सट्रैक्ट करो तो क्या आता है सर 10 आता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक इंटीजर का वैल्यू या फिर एक डिजिट का वैल्यू, इंटीजर नहीं होगा, एक डिजिट का वैल्यू 10 होना नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 9 तक हो सकता है, एक डिजिट का वैल्यू 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। तो इसीलिए इसका कुछ भी ग्रेटेस्ट भी बोलो कुछ भी बोलो, ऑप्शन नंबर ए बराबर करेक्ट आंसर 1 होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नीचे दिए गए नंबर दिया हुआ है जिसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑप्शन इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 11। इस जो नीचे नंबर दिया हुआ इसको कंप्लीटली डिविजिबल बाई 11 करने के लिए क्या करना पड़ता है सर, 8 और 9 कितना होता है, 8 और 16 = 17, 17 और 8 कितना होता है सर, 17 और 8 = 8, 7 = 16, 7 + 14 = 15, 25, ठीक है। तो 25 माइनस इधर होता है 7 = 8, तो 8 हटा तो कितना आता है सर, 8 से 7 = 15, तो 1 = 17 आता है सर। हमने सही किए, 8 × 8 = 16 और 8 × 3 = 24, 25 से क्या हो रहा है 7 = 8 निकल जा रहा है, ठीक है, 17 आ रहा है जो कि नॉट डिविजिबल बाई 11, ठीक है। इसके बाद देखो दूसरे केस में देखते हैं सर, 6 + 7 = 14, 14 - 5 6 + 7, तो 7 आ रहा है, तो ये 7 आ जा रहा है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तीसरे केस में देखो सर, 9 × 3 = 12, 12 और 3 और 9 कितना होता है सर, 12 और 9 = 21, माइनस 6 × 3 = 9 = 10, तो क्या आता है सर, 10, 21 से 10 हटाओ तो 11 आता है जो कि डिविजिबल बाई 11 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी को आप डिविजिबल कर सकते हो, क्यों, क्योंकि 11 से डिविजिबिलिटी रूल्स यही कहता है कि नंबर का जो नंबर दिया हुआ है उसके इवन प्लेस का सम और ऑड प्लेस का सम का डिफरेंस निकालना है। तो उसके इवन प्लेस का सम क्या हो रहा है सर, 9 × 9 = 18, 3 = 21 आता है, माइनस ऑड प्लेस का सम कितना आता है, 6 × 3 = 9 = 10, तो ये बराबर 11 आ जाता है जो कि 0 और 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तब जाके 11 से डिविजिबिलिटी चेक हो जाता है। ये CHSL 2019 मॉर्निंग शिफ्ट में आया था 2020 में, ठीक है, और एक आया था 2019 में भी आया था, 2020 में भी, 20 में भी आया था। ये बहुत ही आसान है, CHSL 2019 का पेपर हुआ था 2020 में, ठीक है, तो इसीलिए ऐसा लिखा गया है, इसमें कंफ्यूज मत होना कि 2 साल ही आ गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ। When 77 + 77 + 77 is divisible by 78, the remainder is। अब ध्यान से सुनना, यहाँ से अगर हम लोग किसी भी तरीके से 77 को निकाले तो क्या आ जाएगा, नहीं कुछ नहीं होगा। अब 78 से इस नंबर को डिवाइड करने की कोशिश करो, 77 + 77 + 77, अगर इसको डिवाइड करते हो तो क्या आता है सर, -1 रिमाइंडर आता है, उसके पावर 77 प्लस इससे अगर डिवाइड करते हो तो -1 आता है, उसके पावर 1 आता है, तो सर -1 - 1 मतलब सर -2 आ रहा है रिमाइंडर। रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि माइनस अगर आता है तो जो मेन नंबर जिससे डिवाइड कर रहे थे उसी से उस नंबर को माइनस कर दो, तो जो आएगा वो हो जाएगा आपका रिमाइंडर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। When an integer n is divided by 5, the remainder is 3. What is the remainder if 8n is divided by 5? ध्यान से सुनना, किसी नंबर को 5 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर आता है 3, तो नंबर क्या 8 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, तो n का वैल्यू 8 पकड़ लिया हमने, तो सर 8n बराबर 8 × 8 = 64, 64 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना होता है, 5 × 12 = 60 होता है, तो 60 + 12 × 5 = 60 + 4, तो रिमाइंडर आपका कितना आ गया, 4 आ गया। ये कब आया था, SSC CHSL 2020 में आया था, ठीक है, मतलब 2019 का पेपर था जो 12/10/2020 में हुआ था। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Which of the following number is divisible by 6? नीचे दिए गए नंबरों में जो कि 6 से डिविजिबल है, देखो सर लास्ट में कुछ भी हो जाए इवन होना चाहिए, ठीक है, तो ये नंबर तो डिविजिबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 6 का 2 फैक्टर आता है, एक 2 होता है और 3 होता है, 3 से 2 से डिविजिबिलिटी यही कहता है कि नंबर शुड बी इवन, तब जाके 3 से डिविजिबल हो जाएगा, अब 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब सर 6 से 6 के लिए 3 वाला चेक करता है ना, हाँ सर 3 वाला चेक करो, तो 3 वाला क्या होगा, सम ऑफ द नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 3, तो देखो 4 × 3 = 7 आता है, 8 × 2 = 10 आता है, 17 जो कि नहीं है, डिविजिबल नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग सर, इसको निकाल देते हैं, तो ये भी नहीं होगा, और उसके बाद क्या होता है 4 × 2 = 6, 6 × 4 = 10, 2 × 12 = 13, तो ये भी नहीं है, तो होना चाहिए ये वाला नंबर, ऑप्शन नंबर डी शुड बी। तो देखो सर इसको देखते हैं, 3 और 4 = 3, 7 और 2 = 9, 7 और 2 = 9, 18, 9 × 3 = 27 जो कि 3 से डिविजिबल है, तो 349,722 इज द करेक्ट आंसर विच इज डिविजिबल बाई 6। तो निम्नलिखित में से जो नंबर 6 से विभाज्य हुआ वो हुआ 3, 4, 9, 7, 2, 2, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा देखो, ध्यान से देखो और इतना देखो कि ये क्वेश्चन शर्मा जाए, ठीक है, क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, मैं ऐसा करने की कोशिश इसीलिए कर रहा हूँ। देखो एक चीज़, अब देखो सर a^2/3 था पावर में, ठीक है, और यहाँ पे देखो a^1/3 है, जब गुना करेंगे इन दोनों का पावर में क्या आ जाएगा, a^3/3, ठीक है, तो क्या आ जाता है सर, a^1 आता है। देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है a^1/2 × a^1/2 पावर में क्या आ जाएगा, a^1, क्या ये माइनस में है, हाँ सर, तो सर ये दोनों कट जाएगा, a^1 इधर से ये दोनों गुना होकर a^1 और a^1, तो सर एक काम करते हैं ना, इसको एक काम करते हैं, a^1/6 जो सबसे छोटा वाला पावर है इसको हम लोग पकड़ लेते हैं x, ठीक है, ध्यान से सुनना, a^1/6 जो सबसे छोटा वाला पावर है इसको हम लोग पकड़ लेते हैं x, तो सर ए टू दी बार 2/3 क्या हो जाएगा सर एक्स टू दी बार 4 आएगा, प्लस 2 क्या हो जाएगा सर 2x³ आ जाएगा, सर 2x³ आ गया, प्लस क्या आ जाएगा सर 3x² आ जाएगा, अच्छा 3x आएगा। ए टू दी बार 1/6 हमने क्या पकड़ा था सर, ए टू दी बार 1/6 हमने पकड़ लिया था। ये सर ए टू दी बार 3, ये ए टू दी बार 1/3 होगा, ये गलत लिखा हुआ है ठीक है, ये थोड़ा सा गलत सही कर लेना। ए टू दी बार 1/3 है, ये थोड़ा सा सही कर लेना, क्वेश्चन में गलत होगा कि क्योंकि ये ए टू दी बार 1/3 होना चाहिए ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर 3x² आएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा सर 2x आएगा, 2x आएगा प्लस 1, और इधर क्या हो जाएगा सर x² आएगा माइनस सर 2x आएगा प्लस 1 आएगा ठीक है, इक्वल माइनस। इसके बाद माइनस क्या हो जाएगा सर a टू दी पर 1 मतलब सर x⁶ आएगा, माइनस 2 a टू दी पर 2 मतलब x³ आएगा, माइनस 2x³ आएगा ठीक है। यहाँ तक सही है या फिर कोई गलत हुआ सर, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा सर, अच्छा ठीक है सर, ये माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा। हमने खाली यहाँ पे करेक्शन किया, कौन सा वाला ये टू दी पर 1/3 होना चाहिए था ठीक है। तो या फिर ए टू दी पर 1/2, 2×3 = 6, अच्छा 3×2 = 6 होगा। देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, गुना करेंगे तो x⁶ क्यों गुना सिखा रहा है, इसको शॉर्टकट में भी आप अप्लाई कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है। कैसे समझे, देखो सर एक चीज़ समझ लो, देखो एक चीज़ x⁶ गुना करेंगे तो x⁶ आएगा, ये गुना होगा x² से गुना करते हैं ठीक है, प्लस 2x⁵ आएगा, प्लस 3x⁴ आएगा, प्लस 2x⁵ आएगा, प्लस x² आएगा। माइनस 2x से जब गुना करेंगे सर, माइनस 2x से जब गुना करेंगे तब धीरे धीरे सब कुछ कटते रहेगा। देखो 2x⁵ आएगा, माइनस 4x⁵ आएगा, माइनस 3×1 = 4 सॉरी 4x⁴ आएगा, माइनस इधर होता है 3×2 = 6 6x³ आएगा, माइनस 4x² आएगा, माइनस 2x आएगा, प्लस एक काम करते हैं प्लस इसको बिठाते हैं तो x⁴ प्लस 2x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1 आएगा, माइनस x⁶ प्लस 2x³ आएगा ठीक है। ध्यान से सुनना, अब देखो एक चीज़ क्या काटना चालू होगा, हाँ सर देखो काटना चालू कर देते हैं, तो x⁶ कट गया, x⁶ कट गया, दूसरा इंक से करो ना, अच्छा ठीक है सर दूसरा इंक से हम करते हैं 2x⁵ देखो, इधर 2x⁵ देखो, इधर 2x⁵ देखो। अब सर दूसरा चीज़ देखो 3x⁴ यहाँ पे है, यहाँ पे 4x⁴ है, और यहाँ पे 1x⁴ होना अनिवार्य है। देखो 3×1 = 4 आ गया, ये तीनों कट गया ठीक है। अब देखो 2x³ को समझते हैं, 2x³, 4x³ और कहाँ है 2x³, 6x³। देखो 1 2 थोड़ा सा बोल्ड कर देता है 1 2 3, देखो 6x³, यहाँ पे 6x³ देखो कट गया। अब बचा कौन सा है सर, x² को समझते हैं, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x² 3x² है, और यहाँ पे 1x² होना अनिवार्य है, और कहीं पे अच्छा ठीक है नहीं है कहीं पे भी। देखो सर हाँ होना चाहिए, कहाँ पे 3x² यहाँ पे है, और यहाँ पे 1x², 4x² आया, और यहाँ पे 4x² देखो कट गया, ये 4x² के साथ ये x² और ये 3x² कट गया। अब 2x के साथ 2x काटना अनिवार्य है, बचा हुआ कौन सा है 1 ही है, तो 1 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर ठीक है। समझ में आ गए या फिर कोई दिक्कत है, आशा करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ये नॉर्मल सा चीज़ था, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ तो दिया हुआ नहीं है, हाँ सर कुछ तो दिया हुआ नहीं है, ए को हम लोग 0 पकड़ लेते तो 0 करो, अच्छा इसको 0 क्यों कर रहे हो, इसको 0, ये 0 गुना 0 आ जाएगा, तो ये टोटल 0 हो गया ठीक है। यहाँ से क्या बचा हुआ देखो, सब 0 हो गया 1 × यहाँ पे सब 0 हो गया 1, तो 1 × 1 = 1 आ गया, आंसर आपका 1 आ गया। तो ये होता है एग्जाम अप्रोच, आप दूसरे तरीके से समझ रहे थे, दूसरे तरीके से हम नहीं कराएंगे, इसको शॉर्टकट में आपको सिखा दिए ठीक है। क्या किए, ए के वैल्यू 0 पकड़ लिए, पहले क्या किए ए के वैल्यू a टू दी पर 1/6 के वैल्यू x पकड़े थे ठीक है। अगर यहाँ पे देखो दिया हुआ है व्हेन a = 7, हमने तो a का 7 मानना जरूरी नहीं समझा, क्यों जरूरी नहीं समझा, देखो लास्ट में यहाँ पे चेक करने के बाद दिख रहा है कि a का वैल्यू तो कुछ ही नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा सर 7 आएगा, कोई होगा नहीं सर 1 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया 1 आ गया। a का वैल्यू 7 हो, a का वैल्यू 0 हो, एक इंटीजर तो इसका वैल्यू कुछ आएगा, हाँ सर वैल्यू कुछ आ रहा है, तो इसीलिए हमने a का वैल्यू 7 को हटा दिया, क्योंकि 7 टू दी पर 1/6 किसी भी तरीके से आपको निकालना नहीं होना चाहिए, मतलब निकालना नहीं पड़ना चाहिए ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ द नंबर 59a44b इज डिविजिबल बाय 36 देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a प्लस b इज, तो a प्लस बी का अधिकतम मान निकालो। ठीक है, तो ये t नहीं होगा, तो a प्लस बी का अधिकतम मान क्या है निकालना है। हमें क्या निकालने के लिए बोला गया, हमें बोला गया कि थोड़ा सा समझो मेरी बात को कि 36 से डिविजिबल है। तो सर 9 चौके 36 बोल सकते हैं। हाँ सर 9 और 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो 4 से डिविजिबल मतलब लास्ट वाला 2 नंबर शुड भी डिविजिबल। तो b का वैल्यू क्या होना चाहिए सर, b का वैल्यू 0 हो जा सकता है। हाँ सर, लेकिन हमें मैक्सिमम निकालना है, तो b का भी मैक्सिमम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो b का मैक्सिमम अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सर, इसको पहले ना एक चीज़ समझो, इसको पहले हम लोग a प्लस बी मतलब 9 से टेस्टिंग कर लेते हैं, बाकी b का बाद में देखते हैं 4 में। तो 5 प्लस 9 प्लस a प्लस 4 प्लस b, ये क्या होगा सर 9 से डिविजिबल होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या होगा, इधर 9 है, इधर 9 है, तो 9 9 18 हो गया, 18 और 6 4 10 तो 28। तो a प्लस ये b है, सॉरी ये b है, तो b अच्छा 9 4 9 9 18 और 4 22, तो a प्लस b प्लस 22 बराबर 9 3 27 हो सकता है, 9 चौके 36 हो सकता है। तो दो कंडीशन में हम लोगों को a प्लस बी क्या मिल जाएगा, पहला कंडीशन में आता है 22 5 27 और दूसरे कंडीशन में a प्लस बी के वैल्यू कितना आता है सर 14 आता है। तो सबसे मैक्सिमम कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 14 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गए, कोई डाउट है, आशा करते नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन 3x² माइनस 5x माइनस 8। तो इसका फैक्टर्स निकालना है। तो सर 3x² माइनस हम लोग लिख सकते हैं सर 8 और 3 से सर माइनस 8x प्लस 3x, 5 3 8 हो गया, खत्म कहानी, माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर, x कॉमन ले लेते तो कितना आता है 3x माइनस 8 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा 3x माइनस 8। हाँ सर हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आता है x प्लस 1 और दूसरा आ जाएगा 3x माइनस 8। तो खत्म कहानी, x प्लस 1 3x माइनस 8 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे तो दिख रहा है, आपको दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। विच आर द टू नियरेस्ट नंबर 2 1 9 5 9 6 इज डिविजिबल बाई 9। 9 से डिविजिबल ऐसा नंबर इसके नियरेस्ट निकालना है। तो ध्यान से देखो, हम लोगों को दो नियरेस्ट नंबर निकालना है। तो यहाँ से 1 9 5 9 6 को अगर जोड़े तो कितना आता है सर 9 9 18 5 6 5 11, 18 और 11 कितना होता है सर 29 और प्लस 1 30। ठीक है, तो 30 के आसपास 9 से डिविजिबल कितना होता है सर 27 होता है। तो इससे 3 घटा दो तो सर 1 9 5 9 3 ये आ जाएगा आपका एक नंबर। दूसरा नंबर कौन सा हो जाएगा सर, इसके साथ 30 के साथ 9 से डिविजिबल होगा, 9 चौके 36 तो 6 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 6 जोड़ेंगे तो 6 6 12 कैरी फॉरवर्ड 1 9 कम 10 तो 6 आ जाता है। तो 1 9 6 0 2 दूसरा नंबर आ जाएगा 1 9 6 0 2। जब एक निकल गया बाकी देखो मैं मिल नहीं रहा, तो यही तो आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। और कोई सोचने वाला बात था नहीं सर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ 8 डिजिट नंबर 1 + 1 A 7 6 ऐसा नंबर दिया हुआ है 1 2। ठीक है, a इज टू बी डिवाइडेड डिविजिबल बाई 72, देन व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ 2a प्लस 3b। 2a प्लस 3b का लीस्ट वैल्यू निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा सर, इसको लीस्ट होना चाहिए, कौन सा लीस्ट, a और b को। सर 72 को दो फैक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। हाँ सर 9 × 8 9 8 72। तो इसको 9 से डिविजिबल चेक करना है और 8 से डिविजिबल चेक करना है। हाँ सर बहुत आसान हो जाएगा। देखो 8 से डिविजिबिलिटी पहले चेक नहीं करेंगे, पहले 9 का समझते हैं। 9 का समझते हैं तो क्या हो जाएगा सर 1 + a + 7 + 6 + 5 + b + 1 + 2। मैं b ऐसा लिखता हूँ, 6 और b का एक जैसा आ जाता है, इसीलिए मैं b को बड़ा करके लिख रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो 2 1 कम 3 5 8 6 14, 14 और 7 कितना होता है 21, 21 1 कम 22। तो 22 प्लस a प्लस b शुड भी क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल मतलब 27 होना चाहिए। सर a प्लस b का वैल्यू कितना आ जा रहा है सर 5 आ जा रहा है, एक वैल्यू, दूसरा वैल्यू कितना आ जा रहा है सर, लीस्ट लेना था तो a प्लस b का 5 ही ले लेते हैं। हाँ सर 5 ले लिए। अब देखो सर b 1 2 को हम लोग सर क्या हो जाएगा सर 8 से डिविजिबिलिटी चेक करना है। तो b का वैल्यू अगर 0 होता है तो क्या डिविजिबल होगा, नहीं सर b का वैल्यू 1 चेक कर लेते हैं। सर 1 1 2 देख लेते हैं। सर 8 कम 8 3 11 32, तो 8 से क्या हो जाएगा 8 चौके 32। तो b का वैल्यू 1 ले सकते हैं, a का वैल्यू शुड बी 4, तो 4 हो जाएगा। तो सर 4 2 8 प्लस 3 कितना होता है सर 11 आ गया, खत्म कहानी, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। जितना स्टेप बाय स्टेप जाने का कोशिश करो उतना क्वेश्चन आसानी से होता जाएगा। जितना थोड़ा इधर उधर ऐसा वैसा घूमने की कोशिश करोगे क्वेश्चन में शॉर्टकट के लिए, उतना क्वेश्चन आपका खराब होता जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 81 इज। इसको 81 से डिवाइड करने के लिए क्या होना चाहिए सर, 9 से डिविजिबल होना अनिवार्य है। 9 से डिविजिबल मतलब सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9 एंड 81 आल्सो। सर देखो ये देख के ही लग रहा है 9 से नहीं, ये 9 से नहीं, ये 9 से हो सकता है क्या, ये 9 से होगा सर 8 7 6 6 12 कम 13 और 8 कितना होता है सर 13 और 8 8 3 11 21 और 9 9 18 नहीं होगा सर। तो सर कौन सा वाला नंबर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, इसमें नॉर्मली समझते हैं तो क्या हो जाएगा, एकदम आसानी से हो जाएगा। सर पहले साम निकाल लो फिर जाके ख़त्म करो। 81 से डिविजिबल के लिए 9 से डिविजिबल होना अनिवार्य था, तो पहले 9 से ही डिविजिबिलिटी चेक की, बाकी सब मुंह तोड़ जवाब से नीचे गिर गया। और कोई देखना है नहीं सर, चलिए देखते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ। एग्जामिनर एक सोच के क्वेश्चन आपको देगा, आप क्या करना उनके सोच को ही झूठा साबित कर देना, ठीक है। देखो फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशंस क्या दिया हुआ है, इससे डायरेक्ट लिख सकते हो। 12 मतलब 12 दूना 24, सर 8 3 24 होता है, तो -8x रहेगा तो +3x रहेगा। तो सर माइनस में पहले 4 वाला माइनस आना चाहिए, तो सर x माइनस 4 आ जाएगा तो 2x+3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये खत्म हो गया। अब देखो सर 2x+3 कैसे आएगा, देखो 2x² -8x + 3x - 12, तो यहाँ से क्या आता है 2x कॉमन लेंगे तो x - 4 आ जाएगा, +3x कॉमन लेंगे, कुछ नहीं 1 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो x + x - 3 = 4 तो 4 आ गया। तो 2x + 3 आया और दूसरे फैक्टर आया x - 4, तो इक्वल्स टू 0 वाला रखो, 0 वाला रखो, 0 वाला रखो, ठीक है। तो ये फैक्टर आ जाएगा। तो क्या ये फैक्टर टफ था? नहीं सर, पहले लाइन से आप बोल सकते थे आंसर कौन सा होगा। हाँ सर, ये थोड़ा सा सीख लो, आपको आसानी हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If 7129P465 is divisible by 9, then the value of P। सर इसको क्या करना है सर, 9 से जोड़ने की कोशिश करते हैं। सर 9 से क्या डिवाइड करने का, 7 2 9 कट गया तो 9 कट गया, इधर 5 4 9 कट गया तो 6 कम 7 आता है। तो 6 + P शुड बी डिविजिबल बाई 9 होना चाहिए। तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा, छोटे से छोटा 2 आ जाएगा। और कुछ होगा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 18 लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, P का वैल्यू 11 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक डिजिट का वैल्यू 9 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो P का वैल्यू 2 आ गया। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये कब आया था सर? यह SSC CHSL में आया था, 2019 के एग्जाम में आया था, जब जो कि 2020 में हुआ था, आपको तो ये पता ही होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 91। सर 91 से डिविजिबिलिटी थोड़ा सा पेचीदा है, तो हम लोग थोड़ा सा डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। सर 91 से डिविजिबल मतलब सर लीस्ट 5 डिजिट नंबर, मतलब सर 1 2 3 4 5, ठीक है। ये कितना हो गया, 5 हो गया, तो ये नंबर होता है लीस्ट 5 डिजिट नंबर का। तो इसको 91 से डिवाइड करेंगे तो 1 कम 91 आता है, तो सर 9 आता है तो 0 आ गया, तो 0 से 0 आ गया। तो सर क्या होगा ये डिविजिबल, सर 91 10 होना चाहिए था, मतलब सर 91 10। अच्छा ये अगर 1 होता तो सर 9 10 हो जाता, हाँ सर डिवाइड हो जाता। यहाँ से 91 की जगह यहाँ पे अगर 1 रहता तो क्या आता सर 1 0 0 1 0। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये देख के आपको जब पता चल जाएगा तब लगेगा आपका आंसर में, क्वेश्चन में 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन आपको सही हो जाएगा, मतलब 50 आउट ऑफ 50 आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 50 आउट ऑफ 50 पाने के लिए आपको क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, देख के ही आपको लगाना पड़ेगा अंदाजा कौन सा वाला आंसर होना चाहिए। उसके बाद आप क्वेश्चन में आगे बढ़ो, पहले ही अंदाजा लगा लो। अगर लग जा रहा है तो क्वेश्चन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको आंसर में ही वहाँ पे स्टिक रहना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ऐसा नहीं कि आप गलत पकड़ लिए फिर उसी में स्टिक रह गए। सही से क्वेश्चन का आंसर अंदाजा लगाना कोशिश कीजिए, सीखना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 3, जो कि CHSL का क्वेश्चन है, इवनिंग शिफ्ट में आया था। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो 7 2 9 5 क्या होता है सर 9 5 14, 7 2 9 कट गया। अच्छा 3 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, इधर से 7 और 5, इधर से 7 और 5 से 7 5 12 और 8 20, ये डिविजिबल नहीं है 3 से। 5 4 9, अच्छा ठीक है, 7 3 10 10 9 को हटा देते हैं, हाँ सर 8 एकम 9 को हटा देते हैं, 7 3 10, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, 9 निकाल के काट के उधर से उखड़ के फेंक दे रहे हैं, ठीक है। 9 और 3 को, तो 3 3 हट गया तो 9 हट गया, तो 5 और 7 5 12 12 और 8 20, ये भी डिविजिबल नहीं है, तो ये होना अनिवार्य है। तो देखते हैं 8 एकम 9, इधर तो 7 5 12 6 18, तो ये 3 से डिविजिबल है, ठीक है। इसी तरीके से आपको आंसर निकालना है, किस तरीके से, जैसे हमने निकाला कि 3 से डिविजिबिलिटी मतलब सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3। हम लोगों ने क्या किया, बड़ा से बड़ा नंबर 3 और 6 और 9 को हटाने की कोशिश की, ठीक है। आप चेक कर लेना 3 से डिविजिबल होता है, 3 दूना 6 2 7 3 9 27, 3 दूना 6 3 एकम 3 2 5, 3 6 18 3 6 18 और इधर होता है 3 7 21। खत्म कहानी, ओके। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ़ ए इज़ ए नेचुरल नंबर देन 7a² + 7a, ये स्क्वायर होगा, 7a² + 7a, ये थोड़ा सा एरर करेक्शन कर लीजिए। ए इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय, एक नेचुरल नंबर है, तो सर हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक नेचुरल नंबर है तो 1 ले लो ना, तो 7 + 7a मतलब क्या हो, 7 + 7 मतलब 14, तो 7 और 14 से तो ऑब्वियसली डिविजिबल होना चाहिए, क्या आपको कोई दिक्कत लगा क्वेश्चन में? हमने क्या किए, ए को नेचुरल नंबर पकड़ने के लिए दिया हुआ था, तो ए को 1 ही पकड़ लेते हैं ना, तो उसमें वैल्यू पुट कर दिया, तो 7, 7, 14 सबसे छोटा से छोटा नंबर 7 से भी डिविजिबल है, 14 से भी डिविजिबल है। ये नंबर अगर 14 हो रहा है, इससे बड़ा लेंगे तो 2 दूना 4, 7 चौका 28 प्लस 7 दूना 14, तो इससे नहीं दिखेगा, इससे लगेगा कि 21 से भी डिविजिबल है, नहीं दिखेगा ना, तो इसीलिए सबसे छोटा से छोटा नंबर ले लिए, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ax प्लस बी वाई इज ए फैक्टर ऑफ ax प्लस बी वाई, ये सब पावर है, ठीक है, जो भी 2, 2 दिख रहा है ये सब पावर है, सामने नहीं पीछे वाला, ये b स्क्वायर होगा। तो ax प्लस बी वाई ये किसका फैक्टर होना चाहिए सर? ax प्लस बी वाई ये होना चाहिए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये इसका ये क्या फॉर्मूला होता है सर, ax प्लस बी वाई इसका होल स्क्वायर। देखो सर दिख रहा है ना, तो इसीलिए क्या होता है सर, ये इसका फैक्टर 1 है, ax प्लस बी वाई, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इसमें भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, 2x माइनस 3y किसका फैक्टर हो जाएगा सर? 2x माइनस 3y का दिख रहा है कि 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर होना चाहिए था, 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर कहीं पे नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए देखो सर यहाँ पे क्या दिया हुआ है सर, 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x, अच्छा 2x दिया हुआ है, माइनस 3y दिया हुआ है सर, 2x माइनस 3y इसको हटा लेते हैं, प्लस यहाँ से आता है 3y का होल स्क्वायर माइनस 12xy, ठीक है, तो यहाँ से आता है 2x माइनस 3y इसका होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y, तो यहाँ से क्या दे दिए कि 2x माइनस 3y को कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा सर, 2x माइनस 3y प्लस 1, ये आ जाता है आपका फैक्टराइज। तो 2x माइनस 3y किसका फैक्टर हुआ, ऑप्शन नंबर ए का। ये जो 2, 2 दिख रहा है ये पावर है सर, इसको थोड़ा सा माफ़ कर देना, यहाँ पे प्रिंटिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो इसको पावर में उठाना नहीं, मतलब भूल गए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मिस्टेक हो गया वहाँ पे। गिवन दैट 2 to the power 20 प्लस 1 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई होल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई द सेम नंबर, ठीक है। एक होल नंबर से 2 to the power 20 प्लस 1 ये डिविजिबल है क्या? ये 2 to the power 20 से हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 20 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, हाँ सर लिख सकते हैं। तो 2 to the power 20 बराबर -1 निकाल सकते हैं, हाँ सर। तो एक काम करो, 2 to the power अगर हम लोग 60 कर ले तो कितना आ जाएगा सर, 2 to the power 60 मतलब इसका 3 क्यूब, तो -1 का क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 2 to the power 60 इक्वल्स टू -1, तो यहाँ से आता है 2 to the power 60 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो ये क्या आ जाएगा सर, ये भी एक फैक्टर हो जाएगा जो उसी नंबर से डिविजिबल होगा। तो 2 to the power 60 प्लस 1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर आपके लिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If a positive integer n is divisible by 357, then what is the next larger integer divisible by all these numbers? सर 3, 5, 7 से अगर हम लोग थोड़ा सा निकालने की कोशिश करते हैं, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा सर, 3 से 5, 3, 15, 15 और 7 कितना होता है, 15 और 7, 5, 35, तो 105 आ जाएगा। तो सर अगर n डिविजिबल है तो इसके बाद वाला नंबर क्या होना चाहिए सर, 105, उसके साथ जोड़ देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये क्वेश्चन करके आप जरूर बताइएगा। 800 और 2000 के बीच में कितने संख्याएं हैं जो 13 से विभाज्य हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन करके आप आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, जिसका आंसर सबसे पहले आएगा उसको क्या मिलेगा, पिन्ड कॉमेंट मिल जाएगा, उसको उस कॉमेंट को हम लोग पिन कर देंगे। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।